नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके की शक्ति खंड 2 में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर कुत्ते को लेकर हुए विवाद में युवक की कैंची से गोद गोद कर निर्मम हत्या कर दी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर दी है पूछताछ शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार थाना इंदिरापुरम इलाके की शक्ति खंड 2 में छत्रपाल नाम का एक शख्स रहता है जो कि पेशे से वह माली है। छत्रपाल ने एक कुत्ता पाला हुआ है। उस इलाके में मुस्तकीम नाम का भी एक युवक रहता था। जब भी वह छत्रपाल के घर के पास से निकलता था तो छत्रपाल का कुत्ता उसे अक्सर भौंकता था। कुछ दिन पहले छत्रपाल के कुत्ते ने मुस्तकीम को भी काट लिया था। इसके बाद मुस्तकीम ने कुत्ते की जमकर पिटाई कर दी। यह जानकारी छत्रपाल को मिली तो उसने इसका जमकर विरोध किया, जिसके बाद दोनों आपस में इसी बात को लेकर तनातनी चल रही थी। देर रात फिर दोनों का आमना सामना हुआ और दोनों में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते दोनों में आपस में झगड़ा बढ़ता चला गया। झगड़े के दौरान मुस्तकीम ने छत्रपाल से हाथापाई की तो पलट में छत्रपाल ने मुस्तकीम के सीने में कैंची घोंप दी। इतना ही नहीं, छत्रपाल ने मुस्तकीम के सीने और पेट में बारी बारी से उसकी कैंची घोंप कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और आरोपी छत्रपाल मौके से फरार हो गया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल मुस्तकीम को आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने मुस्तकीम को मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीओ तृतीय इंदिरापुरम ने बताया कि इस तरह का मामला सामने आया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी छत्रपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।